नमस्कार, मैं हूँ अदीबा और आप देख रहे हैं दी कंटा। बिहार में बीजेपी ने कई वादों के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उस घोषणा पत्र में गौरतलब करने वाली बात यह है कि वो सरकार बनाने के बाद बिहार की जनता को फ्री कोरोना वैक्सीन भी देगी। हालांकि उनको ये भी बताना चाहिए कि अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो उनका बिहार की जनता को फ्री कोरोना वैक्सीन देने पर क्या स्टैंड है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कमल का बटन दबाओ और कोरोना की फ्री वैक्सीन पाओ। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि बिहार में बीजेपी का घोषणा पत्र ऐलान कर रहा है कि अगर बिहार की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई तो बिहार की जनता को फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, और अगर बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो जनता के साथ क्या होगा, इसका जवाब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी का वादा है कि सत्ता में आने पर सभी बिहार के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा भी बीजेपी ने कई वादे किए हैं, लेकिन कोरोना की फ्री वैक्सीन का वादा ये बताता है कि सियासत किस स्तर तक गिर गई है, नेताओं की मानसिकता किस हद तक गिर गई है, सियासत कितनी निर्लज कितनी बेशर्म हो गई है कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को भी बिहार में बेचा जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन पर बीजेपी बिहार की जनता का वोट खरीद रही है। जरा सोचिए, इससे पहले क्या इस तरह के चुनावी वादे किए जाते थे? क्या कभी किसी चुनाव में डेंगू मलेरिया की दवा वोट के नाम पर बेची गई? क्या किसी भी पार्टी ने कभी बीमारियों की वैक्सीन को वोट के लिए बेचा? लेकिन बीजेपी ने सत्ता पाने के रास्ते में वैक्सीन का ब्रेकर लगा दिया है। मतलब जो बीजेपी को वोट देगा वही फ्री में कोरोना का टीका पाएगा। ये अलग बात है कि दुनिया अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बना पाई है। दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, लेकिन भारत में कोरोना की वैक्सीन एक वोट के लिए अभी से बेची जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले चुनावों में खटमल मार दवा, चूहा मार दवा, कॉकरोच मार दवा के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं, क्योंकि सियासत सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे मुश्किल वक्त में यही कहा जा सकता है कि बीजेपी मौके का फायदा उठा रही है। मतलब पानी में डूबते इंसान को निकालने से पहले उससे कहा जा रहा है कि पहले वोट दो, फिर मरने से बचा लेंगे। सियासत की इस निर्लज्जता पर तरस आता है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि महामारी के इस दौर में केंद्र सरकार जनता को बिना किसी लालच के राहत पहुँचाएगी? बाकी जनता समझदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दी कंटाप के साथ। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।